नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 7 पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्ववर्ती भाग में हमने वर्ग संख्या 15 अर्थात नाइट्रोजन परिवार, जिन्हें निकोजेंस भी कहा जाता है, उनका अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम वर्ग संख्या 16 जिसे ऑक्सीजन परिवार या चैल्कोजन भी कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करें। पी ब्लॉक के तत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि पी ब्लॉक तत्वों को हमने आवर्त सारणी में 6 अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ है। आज हम वर्ग संख्या 16 के तत्वों के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 16 में जो सदस्य उपस्थित होते हैं, उन्हें क्रमशः हम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम तथा लिवरमोरियम कहते हैं। इन सभी तत्वों को चैल्कोजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तत्व अधिकांशतः सभी प्रकार के अयस्कों के साथ में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन एक बहुत ही सक्रिय तत्व है, जो अधिकांश तत्वों से क्रिया करके उनके यौगिकों का निर्माण कर देता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपरपटी का जो द्रव्यमान है, उसका लगभग 46.6% ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित है। शुष्क वायु में भी यह लगभग 20.946% ऑक्सीजन उपस्थित होता है। संयुक्त अवस्था में सल्फर सल्फेटों के रूप में मिलता है, जैसे कि जिप्सम है, एप्सम लवण है, तथा यह सल्फाइडों के रूप में भी प्राप्त होता है, जैसे ग्लेना में, यशद ब्लेंड में, जिसे हम लोग जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, तथा कॉपर पायरेटिस इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। सल्फर की सूक्ष्म मात्रा ज्वालामुखी में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। यह कार्बनिक पदार्थों जैसे अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल तथा ऊन में भी उपस्थित होता है। सिलीनियम तथा टेलुरियम सल्फाइड अयस्कों में पाए जाते हैं। पोलोनियम प्रकृति में थोरियम तथा यूरेनियम के खनिजों के विघटन से प्राप्त होता है। जब थोरियम तथा यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों का रेडियो एक्टिव विघटन होता है, तो उत्पाद के रूप में हमें पोलोनियम भी प्राप्त होता है। लिवरमोरियम एक संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका संकेत LV है। इसका परमाणु क्रमांक 116 तथा परमाणु द्रव्यमान 292 ग्राम प्रति मोल होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? Rn 5f 14 6d 10 7s 2 7p 4। इसकी अल्पायु बहुत कम होने के कारण इसके गुणों का अभी भली प्रकार से अध्ययन नहीं हो पाया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वह NS2 NP4 होता है। अर्थात इनके संयोजकता कोष में, जो सबसे बाहर वाला कोष है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर सल्फर से सेलेनियम के मध्य में क्या हो रहा है, हमारे पास में एक्स्ट्रा डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए हैं। इसी प्रकार से टेलुरियम और पोलोनियम के मध्य में देखिए हमारे पास में क्या है, एक्स्ट्रा हमारे पास में F इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि D तथा F इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर उपस्थित होते हैं, फलस्वरूप उनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, जिस कारण से इन तत्वों का रसायन विज्ञान प्रभावित होता है। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिस कारण इनकी आकार में भी वृद्धि होती है। आयनन एंथैल्पी। वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर हम जाते हैं, तो आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने के कारण आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, क्योंकि बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या पृथक करने के लिए अब हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब इनकी तुलना हम वर्ग 15 के तत्वों के साथ करते हैं, तो उनकी तुलना में यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अर्धपूरित होता है, जो कि अधिक स्थायी है। उस स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब भी किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो सामान्यतः वहां से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम होता है। वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी कम होता चला जाता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की अपेक्षा कम ऋणात्मक होती है। सल्फर से पोलोनियम तक इसके मान फिर से क्या होते हैं हमारे पास, कम ऋणात्मक होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आकार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्त सारणी में सबसे उच्च होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है, फलस्वरूप विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है। भौतिक गुण, ऑक्सीजन तथा सल्फर अधात्विक प्रकृति की होती है। सिलीनियम तथा टेल्यूरियम उपधातु होते हैं, जबकि पोलोनियम एक धात्विक प्रकृति का तत्व है। पोलोनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है तथा इसकी अर्ध आयु 13.8 दिन होती है। सभी तत्व अपररूपता प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर गलनांक तथा क्वथनांक में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन तथा सल्फर के गलनांक और क्वथनांक के मध्य बहुत ज्यादा अंतर को उनकी परमाणुकता के आधार पर समझाया जा सकता है। कैसे समझा सकते हैं? ऑक्सीजन का जो अणु है उसमें सिर्फ दो परमाणु उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन के अणु का सूत्र होता है O2, जबकि सल्फर के अणु में 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, जिसका सूत्र होता है S8। सल्फर अणु का आकार ऑक्सीजन अणु के तुलना में बहुत बड़ा होता है। आकार तथा द्रव्यमान दोनों ही अधिक होने के कारण से सल्फर ठोस अवस्था में प्राप्त होती है तथा ऑक्सीजन हमें गैस अवस्था में प्राप्त होती है। क्योंकि आकार तथा द्रव्यमान अधिक होने से वैन डेर वाल बलों की प्रबलता सल्फर के अणु में अत्यधिक होती है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों में पहले हम देखते हैं कि ये किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इन तत्वों के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अष्टक अपना पूर्ण कर सकते हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 कर सकते हैं। जब ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो यह -2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। पोलोनियम सामान्यतः -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता ही नहीं है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत उच्च होती है, वह -2 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन का बंध फ्लोरीन के साथ में बंधा हो तो वह -2 के स्थान पर +2 व +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। जैसे OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक +2 है, जबकि O2F2 में इसका ऑक्सीकरण अंक +1 है। यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में ही बंध बना के रखे, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में होता है, उस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। अन्य सभी यौगिकों में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। वर्ग के अन्य तत्व +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ यौगिकों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था तथा फ्लोरीन के साथ +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर
प्लस सिक्स ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है तथा प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। क्यों? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग में जो तत्व सबसे ऊपर उपस्थित होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है। सबसे छोटे आकार के कारण उसके गुण अपने वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों से मेल नहीं खाते हैं तथा वह एक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस व्यवहार का मुख्य कारण क्या है? उसका छोटा आकार होना तथा वे सभी कारक जो उसके छोटे आकार पर निर्भर करते हैं। तो ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार किस कारण से है? उसके छोटे आकार के कारण, जिस वजह से उसकी विद्युत ऋणता का मान भी उच्च हो जाता है। H2O में प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मध्य विद्युत ऋणताओं का अंतर अधिक होने के कारण वहां पर प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप H2O हमें द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। ऑक्सीजन में डी कक्षक भी अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन अपनी सहसंयोजकता को नहीं बढ़ा पाता है। वास्तव में ऑक्सीजन कभी भी अपनी संयोजकता को दो से अधिक नहीं करता है। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो चैल्कोजेंस होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं तथा उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं। इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः यह -2 ऑक्सीकरण अंक से लेकर के +6 ऑक्सीकरण अंक तक की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर एक असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका आकार छोटा होता है, जिसके कारण उसकी उच्च विद्युत ऋणता होती है। उसके पास डी कक्षक भी अनुपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है? वह सामान्यतः अधिकतम संयोजकता 2 ही प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अंक हमेशा -2 होता है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ करके, जैसे अगर उसने बंध बना रखा हो फ्लोरीन के साथ तो उसका ऑक्सीकरण अंक धनात्मक होगा। यदि ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ में बंध बना रखा हो जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में, तो वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। आइए अब हमारी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं तथा देखते हैं कि ये तत्व अन्य तत्वों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया कर पाते हैं। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। वर्ग 16 के सभी तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इनका अम्लीय गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है क्योंकि बंद लंबाई बढ़ती है, जिस कारण आसानी से बंद टूट जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ताप स्थायित्व भी घटता चला जाता है। जल के अतिरिक्त सभी हाइड्राइडों में अपचायक गुण होते हैं। H2O में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मध्य में प्रबल सहसंयोजक बंध बना होता है, वह आसानी से H+ आयन नहीं दे पाता है, जबकि अन्य हाइड्राइड आसानी से हाइड्रोजन का त्याग कर देते हैं। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ये सभी तत्व 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जो EO2 और EO3 प्रकार के होते हैं। ये सभी ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। O3 और SO2 गैस अवस्था में उपस्थित होते हैं, जबकि SeO2 ठोस अवस्था में उपस्थित होता है। डाई ऑक्साइड का अपचायक गुण SO2 से टेलुरियम ऑक्साइड तक घटता है, अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनका अपचायक गुण घटता है। SO2 एक अपचायक होती है, जबकि टेलुरियम ऑक्साइड क्या है? एक ऑक्सीकारक है। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। ये तत्व EX6, EX4 और EX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। सामान्यतः ये 3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। इन हैलाइडों का स्थायित्व का क्रम क्या होता है? सर्वाधिक जो है हमारे पास में फ्लोराइड सबसे अधिक स्थायी होते हैं, उससे कम स्थायी क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड और सबसे कम स्थायित्व आयोडाइडों का होता है, क्योंकि आयोडाइड का आकार बड़ा होने के कारण बंद लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। बंद लंबाई अधिक होने पर वह बंद आसानी से टूट जाता है, जो स्थायित्व में कमी लाता है। हेक्सा हैलाइड में हेक्सा फ्लोराइड ही एकमात्र स्थिर हैलाइड होता है। जो हमारे पास हेक्सा फ्लोराइड है वही स्थिर है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता होती है, उसका आकार छोटा होता है, तो बनने वाला बंध की लंबाई भी कम होती है। कम बंध लंबाई अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। सभी हेक्साफ्लोराइड प्रकृति में गैसीय होते हैं, जिनकी ज्यामिति अष्टफलकी होती है तथा जिनमें संकरण sp3d2 प्रकार का होता है। सल्फर का हेक्साफ्लोराइड SF6 त्रिविमीय कारणों से स्थायी है। त्रिविमीय कारण कौन से हैं? कि हमारे जो 6 फ्लोरीन के परमाणु हैं, ये सल्फर के चारों ओर त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि यहाँ पर न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है, जिस कारण यह स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। EX4 में SF4 एक गैस है, SCF4 एक तरल द्रव है और TEF4 एक ठोस होता है। EX4 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d प्रकार का संकरण होता है, जिसमें ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होनी चाहिए। लेकिन क्या है, हमारे पास में एक lp उपस्थित होता है, वह lp की उपस्थिति की वजह से इसकी ज्यामिति एक सीसो जैसी हो जाती है। सेलेनियम के अतिरिक्त सभी तत्व डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं। ये सभी डाइहैलाइड sp3 संकृत अवस्था में उपस्थित होते हैं तथा इनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2 और Se2Br2 डाइमर प्रकृति के होते हैं, द्विलक बनाते हैं, यानी दो अणु परस्पर जुड़ जाते हैं। यह द्विलक असमानुपातित होते हैं, अर्थात ये द्विलक क्या करते हैं, इनमें एक अणु ऑक्सीकृत हो जाएगा तथा वही अपचयित हो जाता है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रम जब एक ही यौगिक में भाग लेते हैं तो उन्हें असमानुपाती अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए, यह हमारे पास सेलेनियम है, जो सेलेनियम है ये SeCl4 में परिवर्तित हो रहा है, साथ ही Se में भी परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर सेलेनियम का ऑक्सीकरण अंक हमारे पास में है +1। यहाँ इस उदाहरण में सेलेनियम का ऑक्सीकरण अंक है +4, तो +1 से +4 जाना ऑक्सीकरण हो गया है। यहाँ पर सेलेनियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है, 0 है, तो +1 से 0 जाना अर्थात अपचयन हो गया है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही यौगिक में हमें प्राप्त हो रहे हैं। डाई ऑक्सीजन, जिसे सामान्यतः हम ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, हमें क्या करना होगा? जैसे ऑक्सीजन युक्त लवण होते हैं, जिन्हें क्लोरेट, नाइट्रेट या परमैग्नेट, जब उनको गर्म किया जाता है तो हमें ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति हो जाती है। धातु ऑक्साइडों के तापीय अपघटन से भी ऑक्सीजन गैस प्राप्त की जा सकती है। जैसे धात्विक ऑक्साइडों को जब हम गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन गैस एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के वियोजन से भी ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ऑक्सीजन गैस का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए जल का विद्युत अपघटन करवाया जाता है। जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन कैथोड पर प्राप्त होती है तथा ऑक्सीजन एनोड पर प्राप्त होती है। डाई ऑक्सीजन को हम लोग वायु से भी द्रवित करके प्राप्त कर सकते हैं। जब वायु का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो हमें इससे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 तथा अक्रिय गैसें आदि प्राप्त होती हैं। डाई ऑक्सीजन के गुण, डाई ऑक्सीजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। जल में इसकी घुलनशीलता बहुत कम होती है, लगभग 100 ml जल में यह 3.08 ml ही घुल पाती है। यह 90 केल्विन पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तथा 55 केल्विन पर यह जम जाती है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः 16, 17 तथा 18 होते हैं। आणविक ऑक्सीजन, जिसे हम O2 कहते हैं, डाई ऑक्सीजन, वह अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है, अर्थात पैरामैग्नेटिक होती है। यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा डाई ऑक्सीजन है उसके आणविक कक्षक पाई स्टार,
2px तथा पाई स्टार 2py में एक अयुग्मित एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनके फलस्वरूप यह अनुचुंबकीय प्रकृति को दर्शाती है। कुछ धातुएं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम और कुछ उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर लगभग सभी धातुएं और अधातुएं डाई ऑक्सीजन से सीधे क्रिया करती हैं और उनके ऑक्साइड बनाती हैं। अभिक्रिया शुरू करने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता हमें होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उसके बंद वियोजन की एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है। जैसे ही हम कुछ ऊष्मा देते हैं तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऑक्साइड बना देती हैं। कुछ अभिक्रियाएं हमारी उत्प्रेरकों की उपस्थिति में भी संपन्न होती है, जैसे SO2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने के लिए हमें वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, उसकी उपस्थिति में यह SO3 में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार HCl के ऑक्सीकरण के लिए हमें CuCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जो HCl को क्लोरीन में परिवर्तित कर देता है। डाई ऑक्सीजन के उपयोग। सामान्य श्वसन और दहन प्रक्रियाओं में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी भी प्राणी को श्वसन लेने के लिए या रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वह एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सबको हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यदि हमें किसी वस्तु को जलाना है, उसका दहन करना है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अति आवश्यक है। स्टील उद्योग में, स्टील के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो एक हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, दूसरा हमारे पास एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है। दोनों गैसों को मिला करके हम वेल्डिंग करना प्रारंभ करते हैं, जिससे कि हमें एक उच्च ताप की प्राप्ति होती है जो धातुओं को आसानी से पिघला सकती है। हमें वेल्डिंग करने में उससे बहुत आसानी होती है। अस्पतालों, ऊंचाई पर उड़ने और पर्वतारोहण में ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। ईंधन सेलों में ऑक्सीजन गैस का उपयोग एक ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेट में भी प्रणोदन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, जो रॉकेट को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है। ऑक्साइड ऑक्सीजन तथा दूसरे तत्व के साथ मिलकर बने हुए बाइनरी यौगिकों को ऑक्साइड्स कहा जाता है। ऑक्साइड बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सामान्यतः हमने ऑक्साइडों को दो भागों में बांटा हुआ है, जिन्हें सामान्य ऑक्साइड कहा जाता है तथा हमें मिश्रित ऑक्साइड कहा जाता है। दो प्रकार के ऑक्साइड हैं, सामान्य ऑक्साइड तथा मिश्रित ऑक्साइड। पहले हम देखते हैं सामान्य ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइडों को भी हमने चार भागों में बांटा हुआ है, जिन्हें अम्लीय, क्षारीय, उदासीन तथा उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अम्लीय ऑक्साइड वह ऑक्साइड होते हैं जिनका जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, जैसे SO2, Cl2O7, CO2, N2O5, Mn2O7, CrO3, V2O5, ये अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड हैं। जब SO2 की क्रिया जल से करवाते हैं तो हमें H2SO3 प्राप्त होता है, जिसे सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार क्षारीय ऑक्साइड वे हैं जिनका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय ऑक्साइड कौन से हैं? सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। सामान्यतः आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन है, उसमें क्या उपस्थित होगा हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, अतः एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, जिन्हें उदासीन ऑक्साइड कहा जाता है, जैसे CO, NO, N2O। दूसरा प्रकार है संयुक्त ऑक्साइड। संयुक्त ऑक्साइड वैस ऑक्साइड होते हैं जहां पर कोई तत्व एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित होता है, जैसे PB3O
O4 है। यह Pb3O4 PbO2 तथा 2PbO के रूप में उपस्थित होता है। इसी प्रकार Fe3O4 FeO.Fe2O3 के रूप में उपस्थित होता है। इन्हें संयुक्त ऑक्साइड कहा जाता है। ओजोन। ओजोन बनाने के लिए हम ऑक्सीजन को नीरव विद्युत विसर्जन से गुजारते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त हो जाती है। नीरव का अर्थ होता है साइलेंट। देखिए यह अभिक्रिया हमारे पास कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अतः इस अभिक्रिया में हमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही आवश्यक होता है। जैसे ही ओजोन बनती है उसकी सांद्रता लगभग 10% होती है। ओजोन को द्रव ऑक्सीजन से घिरे हुए पात्र में संघनित कर लिया जाता है। शुद्ध ओजोन एक हल्की नीली गैस होती है। तरल अवस्था में इसका रंग गहरा नीला होता है तथा ठोस अवस्था में यह बैंगनी काले रंग का दिखाई देता है। ओजोन में एक विशिष्ट गंध होती है। कम सांद्रता में यह हानि रहित होती है। इसकी सांद्रता बढ़ने पर सांस लेने में परेशानी आती है, जिससे सिर दर्द होता है तथा मितली होने लगती है। ओजोन ऊष्मागतिकी रूप से ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी है। इसकी उच्च सांद्रता भयंकर विस्फोट कर सकती है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है, क्योंकि यह विघटित होकर के एक नवजात ऑक्सीजन देती है। इस नवजात ऑक्सीजन के कारण इसमें प्रबल ऑक्सीकारक गुण होते हैं तथा यह आसानी से यौगिकों का ऑक्सीकरण कर देती है, जैसे कि इन अभिक्रियाओं में दर्शाया गया है। जब ओजोन बोरेट बफर से पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य में अभिक्रिया करती है तो आयोडीन मुक्त होती है, जिसका मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ अनुमापन किया जाता है। यह ओजोन गैस के मात्रात्मक आकलन की विधि होती है। इस विधि द्वारा हम जान सकते हैं कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है। ओजोन में ये दो अनुनादी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इन अनुनादी संरचनाओं की उपस्थिति के कारण ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बंध उपस्थित होते हैं उनकी बंध लंबाइयां एक समान होती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन से क्रिया करके उसे ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। सामान्यतः वायुयानों से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं वे ओजोन परत को क्षय पहुंचाते हैं। ओजोन परत के लिए दूसरा खतरा हमारे रेफ्रिजरेटर में प्रयोग में आने वाली फ्रियोन गैसेज हैं, जो कि ओजोन परत को क्षय करती हैं। ओजोन का उपयोग कीटाणुनाशक और जल को रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग तेल, हाथी दांत, आटा, स्टार्च आदि को विरंजित करने में, अर्थात उनको रंगहीन बनाने में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में ऑक्सीकारक के रूप में ओजोन का उपयोग करते हैं। अभी तक हमने देखा कि डाई ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है तथा इसके क्या उपयोग हैं। ऑक्सीजन दूसरे तत्वों के साथ क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाती है उन्हें हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। वह अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या उदासीन होते हैं या उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि ओजोन को किस प्रकार से बनाया जाता है। यदि ओजोन की सांद्रता का मान अधिक हो जाता है तो वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। ओजोन के क्या उपयोग कर सकते हैं। ओजोन का जो मुख्य उपयोग है वह है रंगीन पदार्थों को रंगहीन बनाने में किया जाता है, अर्थात विरंजन की क्रिया में हम ओजोन का उपयोग करते हैं। आइए आगे की चर्चा प्रारंभ करें। सल्फर के अपर रूप। सल्फर दो अपर रूपों में मिलती है, जिन्हें विषम लंबाक्ष सल्फर तथा एकांताक्ष सल्फर कहते हैं। विषम लंबाक्ष सल्फर को अल्फा सल्फर के नाम से तथा एकांताक्ष सल्फर को बीटा सल्फर के नाम से जाना जाता है। विषम लंबाक्ष सल्फर या अल्फा सल्फर, यह एक पीले रंग का सल्फर होता है, जिसका गलनांक 385.8 केल्विन तथा विशिष्ट घनत्व
2.06 होता है। विषम लंबाक सल्फर के क्रिस्टल गंधक शलाका अर्थात रोल सल्फर के CH2 में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं। यह जल में अविलेय है परंतु अल्प मात्रा में बेंजीन, एल्कोहल आदि में घुलनशील है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्णतया विलय है। एकांताक्ष सल्फर या बीटा सल्फर, इसका गलनांक 393 केल्विन होता है तथा विशिष्ट घनत्व 1.98 होता है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्णतया विलय है। विषम लंबाक्ष गंधक को एक तस्तरी में पिघालकर तथा पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं। ठंडा होने पर इस पपड़ी में दो छिद्र कर देते हैं। एक छिद्र में से बचा हुआ द्रव्य बाहर निकाल लिया जाता है। पपड़ी को हटाने पर रंगहीन सुई के आकार के हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें बीटा सल्फर के क्रिस्टल कहते हैं। यह अपर रूप 369 केल्विन के ऊपर स्थायी होता है। 369 केल्विन से कम ताप पर यह अल्फा सल्फर में रूपांतरित हो जाता है। 369 केल्विन ताप पर सल्फर के दोनों रूप अस्तित्व में होते हैं। इसे संक्रमण ताप भी कहा जाता है। सल्फर मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। सल्फर का S8 अणु एक क्राउन शेप आकार की आकृति में उपस्थित होता है। सल्फर का S6 अणु एक कुर्सी के आकार की आकृति में पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए सल्फर को सीधा वायु में जलाया जाए या किसी सल्फाइड की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो SO2 प्राप्त होती है। यदि आयरन सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो भी हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। गैस को शुष्क करने के पश्चात दाब द्वारा द्रव में परिवर्तित कर लिया जाता है जिसे स्टील के सिलेंडरों में इकट्ठा कर लिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड तीखी गंध वाली एक रंगहीन गैस है जो कि जल में अत्यधिक विलेय है। यह कक्ष के ताप व दो वायुमंडलीय दाब पर द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। 263 केल्विन ताप पर यह उबलने लगती है। इसका जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। यह जल में घुलकर H2SO3 बनाती है। यह क्षारों से क्रिया करके लवण बनाती है। यह क्लोरीन से क्रिया करके SO2Cl2 का निर्माण कर देती है तथा ऑक्सीजन के साथ इसका उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण करने पर यह SO3 में परिवर्तित हो जाती है। नमी युक्त सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक की तरह व्यवहार करती है। नमी युक्त SO2 Fe3+ को Fe2+ में अपचयित कर देती है तथा MnO4- को Mn2+ में अपचयित कर देती है। यहाँ पर SO2 का SO4-2- में ऑक्सीकरण हो जाता है। SO2 का अणु एक कोणीय आकृति का होता है जिसकी ज्यामिति कोणीय होती है। यह इन दो अनुनादी संरचनाओं के रूप में पाया जाता है। इन दो अनुनादी संरचनाओं के कारण सल्फर तथा ऑक्सीजन के मध्य की बंध लंबाई का मान समान होता है। SO2 का उपयोग पेट्रोलियम और चीनी के शोधन में किया जाता है। ऊन और रेशम के विरंजन में करते हैं। यह एक एंटी क्लोर एजेंट है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक और परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के निर्माण में भी किया जाता है। द्रव SO2 का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फर भी अन्य तत्वों की भांति बहुत प्रकार के ऑक्सो एसिड्स बनाती है जैसे सल्फ्यूरस अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल जिसे ओलियम के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हम स्पर्श विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में निम्न चरण होते हैं। प्रथम चरण में सल्फर या सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर SO2 गैस बनाई जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में
SO2 गैस को SO3 गैस में परिवर्तित किया जाता है तथा अंतिम चरण में SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करा करके ओलियम प्राप्त किया जाता है। इस विधि में SO2 को ऑक्सीजन के साथ में उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः ली शेतेलिए के नियम के अनुसार यदि हमें अधिक मात्रा में SO3 गैस प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दाब रखना है 2 बार तथा ताप 720 केल्विन। हमें न्यूनतम इतना ताप रखना होता है कि हमारी अभिक्रिया प्रारंभ रह सके। जैसे ही SO3 बनती है, SO3 का अवशोषण H2SO4 में करवाने पर ओलियम प्राप्त हो जाता है। ओलियम में जल मिलाकर हम इच्छित सांद्रता का H2SO4 तैयार कर सकते हैं। H2SO4 1.84 के विशिष्ट घनत्व वाला एक रंगहीन घना तेलीय द्रव है। यह 283 केल्विन ताप पर जमता है और 611 केल्विन ताप पर उबलता है। जब भी हमें अम्ल को जल में मिलाना हो तो हमें बहुत धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए अम्ल मिलाना चाहिए, क्योंकि अम्ल को जल में मिलाने वाली अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित विशेषताओं के कारण होती है। एक, उसकी निम्न वाष्पशीलता, यह बहुत कम वॉलेटाइल है। सेकंड, प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। जल के प्रति प्रबल बंधुता, यह जल में अत्यधिक विलय होता है। ऑक्सीकरण कर्मक का गुण होता है इसमें। ये देखिए, जैसे हम लोग H2SO4 को आयनित करते हैं तो H2SO4 दो पदों में आयनित होता है, क्योंकि इसके पास दो H+ आयन उपस्थित है। पहले वाली अभिक्रिया के लिए Ka का मान हमें लगभग 10 से अधिक प्राप्त होता है, जबकि दूसरी अभिक्रिया के लिए हमें Ka का मान 1.2 × 10⁻²⁺ प्राप्त होता है। यह अभिक्रियाएं या Ka का मान हमें यह दर्शा रहा है कि अधिकांश समय में H2SO4 H+ आयन तथा HSO4- आयन के रूप में उपस्थित रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब क्षार के साथ करवाई जाती है तो सामान्यतः हमें दो प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। जैसे इसकी क्रिया कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर हमें कॉपर सल्फेट प्राप्त हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। यह सामान्य सल्फेट होते हैं, जबकि यदि हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो, जहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यह हमारा अम्लीय सल्फेट है। जबकि जो सामान्य सल्फेट होते हैं, वहाँ पर H2SO4 SO4 2- आयनों में वियोजित होकर के दूसरी धातु से क्रिया कर लेता है। निम्न वाष्पशीलता के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अधिक वाष्पशील अम्लों के उनके संगत लवणों के उत्पादन करने में किया जाता है। इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, ऐसे अम्ल बना सकते हैं जिनकी वॉलेटिलिटी या वाष्पशीलता बहुत अधिक होती है, जिन्हें हमें तुरंत लैब में तैयार कर लेना होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलन कर्मक है। यह आसानी से H2O का अवशोषण कर लेता है। ऐसी गैसें जो H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती हैं, उन गैसों का निर्जलीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक पदार्थों से क्रिया करके जल का निष्कासन कर देता है। जैसे शर्करा की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है तो वहाँ पर जल निकल जाने के कारण शर्करा काले रंग की पड़ जाती है। गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक मध्यम प्रबलता का ऑक्सीकारक होता है। धातुवे तथा अधातुवे दोनों ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 में परिवर्तित हो जाता है। H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीकारक है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 में उपस्थित होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग किसी भी राष्ट्र की प्रगति या वह नेशन
या वह देश कितना डेवलप है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कितना हो रहा है तथा वहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कितना लिया जा रहा है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम शोधन डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है, वर्णकों प्रलेपों रंजकों आदि को बनाने में मध्यवर्ती के रूप में करते हैं, विद्युत लेपन और गैल्वेनाइजिंग से पहले धातुओं को साफ करने में किया जाता है, सीसा संचायक सेल बनाने में नाइट्रोसेलुलोज के उत्पादन में किया जाता है, इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में किया जाता है तथा इसका उपयोग उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट सुपरफॉस्फेट आदि के निर्माण में भी किया जाता है। आज के इस भाग में हमने चर्चा की चैल्कोजन परिवार के बारे में, जिसे ऑक्सीजन परिवार भी कहा जाता है। यह आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 16 में स्थित है। हमने यहाँ पर आज डाइऑक्सीजन ओजोन ऑक्सीजन के अन्य धातुओं के साथ बनने वाले ऑक्साइडों सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में चर्चा की। हमने देखा कि सल्फर दो अपर रूपों में उपस्थित होता है, जिन्हें हम अल्फा सल्फर तथा बीटा सल्फर भी कहते हैं। कोई राष्ट्र कितना तरक्की कर रहा है यह उस बात पर भी निर्भर करता है कि उस राष्ट्र में सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना उत्पादन तथा उपभोग वहां पर हो रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा कि हम जानते हैं एक अच्छा निर्जलीकारक अभिकर्मक भी है, जिसका उपयोग गैसों को शुष्क करने में किया जाता है, लेकिन वो गैसें ऐसी होनी चाहिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल से कोई भी क्रिया न करती हो। इस अध्याय के शेष बचे बिंदुओं की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।